के भाई ने एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा है। लक्ष्मण सिंह की बात करें, पार्टी में दलालों का कब्जा बताया है। तो दलालों से घिरे दिग्विजय, इसलिए बड़ा बंटा धारणा, कांग्रेस ईवीएम से नहीं भितरगातियों से हारी, पार्टी दलालों से चलेगी या कार्यकर्ताओं से। लक्ष्मण सिंह ने अलग पार्टी बनाने के लिए भी संकेत दिए हैं। तो आप ये देखिए कि लक्ष्मण सिंह हमेशा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसे बयान जरूर दे देते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी के अंदर तो हलचल होती ही है और बाकी अन्य पार्टियों को मौका दे देते हैं बातें करने के लिए। और ऐसे ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिला जब दिग्विजय सिंह के भाई ने फिर कांग्रेस को घेरा। लक्ष्मण सिंह ने पार्टी में बताया दलालों का कब्जा, दलालों से घिरे दिग्विजय, इसलिए बड़ा बंटा धारणाम, कांग्रेस ईवीएम से नहीं बल्कि भितरघातियों से हारी है, पार्टी दलालों से चलेगी या कार्यकर्ताओं से। लक्ष्मण सिंह ने अलग पार्टी बनाने के भी दिए संकेत। तो एक बार फिर से लक्ष्मण सिंह का बयान चौंकाने वाला। लक्ष्मण सिंह को ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाता है जो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने से भी कतराते नहीं है, और एक बार फिर से दिग्विजय सिंह के खिलाफ तो बोला ही, लेकिन ये भी बताया कि इस रवैये को सुधारा नहीं जा रहा है। दलालों से घिरी हुई है कांग्रेस, और ये बात वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं पार्टी में, और यही हार की वजह रही। मैंने आकलन किया नतीजों का, और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया है, और मैं उनके संपर्क में हूँ। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है, हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हारने के लिए, हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और जितने हमारे राज्यसभा सदस्य हैं मध्य प्रदेश में, उनको आकलन करने की जरूरत है। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं, क्या ईवीएम ने कहा था कि यहां सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं? कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं, लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत रास्ते पे चले ले जा। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है, 20 साल पहले रखा था, और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया, और क्यों बीजेपी को वोट मिलते हैं बंटाधार? होते बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे, और ये तय कर लें कि दलाल। तो लक्ष्मण सिंह के अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद गरमाई सियासत। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह का बयान काफी सनसनीखेज है। उन्होंने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, और एक और कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती है तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपने बयान में दलालों का भी जिक्र किया है, नरेंद्र सलूजा के शब्द हैं। नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे हैं, लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेके भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहां ईवीएम को लेके वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे हैं, लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेके भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहाँ ईवीएम को लेके वो क्लीन चिट दे रहे हैं। चलिए सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, समय समय पर लक्ष्मण सिंह आईना दिखाते आए हैं पार्टी को, लेकिन शायद सुधार नहीं, और अब शायद नई पार्टी भी बना रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, लगातार लक्ष्मण सिंह जो है अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पार्टी नेताओं को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी को की जो खामियां रही हैं उनको वो उजागर भी कर रहे हैं, उल्लेख भी कर रहे हैं, उनको स्वीकार भी करते हुए नजर आ रहे हैं और कई गंभीर सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नेता दलालों से घिरे रहते हैं और यही वजह है कि लगातार पार्टी को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। ईवीएम की बात करते हैं, उन्होंने कहा कुछ ईवीएम की मशीनें जो है वो खराब हो सकती है लेकिन सारी मशीनें खराब नहीं है, कुछ हमारी भी ऐसी नीतियां रही हैं जिसके चलते लगातार पार्टी को नुकसान हुआ है और बीजेपी जो अपना एक एजेंडा बनाती है, पर्सपेक्टिव बनाती है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती है लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ऐसे जो प्रयास किए जाते हैं चाहे उसे रोकने का हो या जनता तक अपनी बात पहुंचाने का हो वो विफल रहती है। हार की समीक्षा की वो लगातार बार बार बात कर रहे हैं और जो खामियां निकलकर सामने आई हैं उसको लेकर भी वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी को जरूर इस पूरे लक्ष्मण सिंह के बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधने का, कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे बयान को लेकर अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि वीडियो काफी ज्यादा पुराना बताया जा रहा है और लक्ष्मण सिंह को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने हार की समीक्षा की है तो तमाम सारी जो वजहें निकलकर सामने आई है वो उसका उल्लेख कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने यह भी तर्क दिया कि अब मध्यप्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद हमने पार्टी में बड़ा बदलाव किया है, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो बदल गए, युवा चेहरे को आगे लाया गया। ये देखने वाली बात कि लक्ष्मण सिंह की नाराजगी इस बार क्या कोई नई हलचल लाती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल वास्तु ये जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं मध्यप्रदेश कांग्रेस और एक बार फिर से दर्पण दिखाने का काम कर दिया लक्ष्मण सिंह ने। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। इससे पहले हम खत्म करें रीनू, इससे पहले रायपुर से बड़ी जानकारी जिसमें धर्मांतरित लोगों की शिकायत जैसे ही पाई गई उसके बाद वापसी का जो अभियान शुरू हुआ है उसका ये नतीजा कि एक और ऐसी खबर सामने आती है, 1000 लोगों की मूल धर्म में वापसी, धर्मांतरित लोग घर वापसी कर रहे हैं और जूदेव जी खुद मोर्चा संभाले हुए तो उसके लिए आयोजन भी लगातार जारी। और एक बड़ा मौका कांग्रेस किया नतीजों का, और यही नहीं किया है पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया है। और एक बड़ा मौका कांग्रेस को घेरने का मिल चुका है क्योंकि कांग्रेस को लगातार कांग्रेस से कहती आई थी कि कोई भी धर्मांतरण नहीं हुआ है और दूसरी तरफ जब जोदेव जी धर्मांतरण जो कर चुके थे उनको वापसी करवा रहे हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कहा था एक भी धर्मांतरण अगर कांग्रेस की सरकार में होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को बड़ा मौका मिल चुका है कांग्रेस को घेरने का।